ना ही ढोकला ना ही इडली, आज हम बनाएंगे सूजी का एक बहुत ही ज़्यादा नया और ज़बरदस्त नाश्ता जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगा। इंस्टेंट ब्रेकफास्ट है ये, सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार होगा। इसके लिए आपको पहले से सूजी को भिगोकर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक कढ़ाई लेना है, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच तेल। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। जब जीरा तड़क जाएगा तो इसके बाद आपको इसमें डालना है पानी। तो कटोरी के कोई भी मेजरमेंट के लिए ले ले कोई भी कटोरी या गिलास। तो मैंने यह कटोरी ली है, इसी से मैंने 2 कटोरी के बराबर पानी लिया है, 2 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। जब पानी में उबाल आएगा तब आपको डालना है इसमें चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और इसके 2 उबाल ले लेना है। 2 उबाल आने के बाद आपको पानी में हल्का सा कलर चेंज दिखेगा। तो अब आपको इसमें डालना है आटा। तो मैंने यहाँ पर लिया है बारीक वाली सूजी, यदि आपके पास मोटी सूजी हो तो उसे एक बार मिक्सी में चला ले। तो यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाला था उसके कंपेयर में 1 कटोरी सूजी लिया है। सूजी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। जब सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे आटे को अब ढककर हम रखेंगे 5 मिनट तक, ताकि यह थोड़ा सा स्टीम में पक जाए। जब तक एक जाली वाली प्लेट लेंगे और उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा नया और स्वादिष्ट नाश्ता है, हर कोई इसे खाना ज़रूर पसंद करेगा। 5 मिनट के बाद यह हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। अभी यह गर्म होता है तो क्या करना है, हाथों में पानी लगा लेना है और पानी लगाकर हथेलियों से इसे अच्छी तरह से मस लेंगे हम, ताकि हमारे हाथ ना जले। आटे को पूरा ठंडा नहीं करना है, अदरवाइज आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। जब ये आटा हल्का सा ठंडा हो जाए तभी आपको हथेली पे पानी लगाकर इसे अच्छी तरह से मसलना है, ताकि यह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब हम हाथों पर तेल लगा लेते हैं, छोटे छोटे से इसके बॉल तोड़कर इसे गोल गोल बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे ऊपर से थंब की सहायता से इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा शेप बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो गोल गोल बॉल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। यदि इसमें कुछ दरार आ रही है या फिर यह टूट रहे, प्रॉपर नहीं बन रहे, तो आप आटे को इस तरह से पहले मसल लें और उसके बाद बॉल बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से राउंड राउंड शेप वाले बॉल्स और सॉफ्टेस्ट बॉल बनकर तैयार होंगे। जब आटा ठंडा हो जाए तब भी आपको इस तरह से मसल कर ही इसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना क्लियर बॉल बनकर तैयार हुआ है। तो सारे बॉल्स हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और मैंने जो जो चीज़ें डाली है, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च और हरी धनिया पत्ती, ये ज़रूर डालिएगा, जिससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर करेंगे। स्टीम करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन्हें इस तरह से वापस निकाल लेंगे, ताकि ये आपस में चिपके ना। हमने तेल लगाकर इन्हें बनाया था तो वैसे भी ये चिपकता नहीं है, और नीचे भी तेल लगा दिया था छन्नी में भी। तो मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा फ्लफी नाश्ता बना है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, टेस्टी भी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होने पर इसमें डालेंगे अब आधा चम्मच राई, 1 चम्मच तेल, थोड़ा सा हींग, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है और 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है। जब कड़ी पत्ता अच्छी तरह से पक जाएंगे, कुरकुरे हो जाते हैं, तब आपको इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, अभी जो तड़का लगा रहे हैं उसके अनुसार आपको डालना है। अब हमारे सारे जो बॉल्स हमने बनाई हैं वो डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इन्हें बिना तड़का लगाए हुए भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगा के खाने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर नींबू और शक्कर का घोल भी डाल सकते हैं इसे, यदि चटपटा या खट्टा मीठा बनाना चाहते हो तो। अब मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती को बारीक कट करके डाल दी है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। तो यह हमारी आज की फटाफट से बनने वाली सूजी की रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत ही इंस्टेंट नाश्ता है, आप देख सकते हैं कि कितना चटपटा, कितना यम्मी दिख रहा है और खाने में भी बेहद अच्छा लगता है। इसे भी खिलाओगे वो बार बार बनाने के लिए आपको ज़रूर बोलेगा। तो यदि आपको आज की यह इंस्टेंट सूजी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह के यूनिक आइडियाज़ मिले।
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।